मोदी जी का डर देख रहे हैं? अरे इंडिया का नाम है भारत और भारत का नाम है हिंदुस्तान। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आपका और मेरा प्यारा भारत महान। मगर मोदी जी ने G20 के समिट में अपना डर दिखाया, क्योंकि डर उन्हें खाए जा रहा है। वो डर, वो जो मगरमच्छ था ना बचपन वाला, वो डर वो मगरमच्छ लेकर जा नहीं पा रहा। अगर उस मगरमच्छ को लाओगे मोदी जी, तो शायद ये डर कुछ कम हो जाएगा। इतना डर है इंडिया का, इतना डर है इंडिया का, और होना भी चाहिए। आपके अंदर भी डर होना चाहिए, मेरे अंदर भी डर होना चाहिए, क्योंकि भारत माता हर भारतीय के अंदर होती है। और हम कोई भी गलत काम करने की सोचे भी तो भी हमारे अंदर डर होना चाहिए कि हम गलत नहीं कर सकते किसी भी भारतीय के साथ, अपने देश के साथ, अपनी देश की संपदा के साथ, अपनी देश की संपत्ति के साथ। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के इतने लालची हैं कि उन्हें डर लग रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे टैग में इंडिया लिखने के बजाय भारत लिखा अंग्रेजी में। अरे आपके और हमारे घर में कितने ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, हम स्वयं हैं, जिनके एक एक दो दो तीन तीन नाम होते हैं। कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, और हम हर नाम का सम्मान करते हैं, और हर नाम से जिसको बुलाते हैं वो उससे रिएक्ट भी करता है। अरे हमारे यहाँ तो देवी देवताओं के नाम इतने हैं, क्या उनको भी विभाजन कर देंगे? आप बताएंगे कि नहीं, एक नाम से पुकारो गणपति बप्पा को। ऐसा कैसे होता है? एक दंत, और मेरे केदार बाबा को भोलेनाथ बोलिए, शिवजी बोलिए, अन्य किसी भी नाम से बोलिए, क्यों ना बोले हम अन्य नामों से। अरे माँ पार्वती के कितने रूप हैं, उनके हर रूप की पूजा करते हैं हम, क्या उनको भी एक नाम देंगे ये और कहेंगे बस एक ही नाम से पुकारो? कोई मानेगा ये बात? नहीं मानेगा, इसलिए इनकी हिम्मत भी नहीं होगी आपको ये कहने की। इसलिए नामों की विविधताओं वाला देश है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। हर नाम में हम हैं, और हर नाम के साथ हम हैं, और हम में हर नाम है, पर इनकी समझ से ये बाहर है, क्योंकि इनका नाम नरेंद्र मोदी है।